वेलकम है गाइस एक और नए व्लॉग के साथ। कैसे हो, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ी गांव की सैर करवाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि ईद उल फितर आ रहा है, तो ईद की छुट्टियां हो गई हैं, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, तो मुझे भी ईद की जो है छुट्टियाँ हो गई थी, मेरी जो यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, तो मैं जो घर आ गया था, तो यार इसकी मैं माजरत, जो मैं कराची से आया हूँ उसका जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मेरे पास जो है सामान काफ़ी था, तो इस वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा कि आज जो है मेरे जो है ईद के बाद पेपर भी है, तो टाइम भी इतना नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा कि आज जो है गांव पे एक व्लॉग लेके आता हूँ। तो काफ़ी लोग जो है कमेंट करते हैं कि यार आप जो है सिटी वगैरह के व्लॉग बनाते हो, तो गांव में जाते हो वहाँ के भी थोड़े व्लॉग दिखाया करें, वहाँ का एरिया किस तरह का होता है। तो आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि खजूरों के बाग के जो है सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उधर देखें सामने नेशनल हाईवे रोड जा रहा है कराची से लाहौर, और उसके सामने ये जो है बाग है खजूरों का, और वो रोड के उस तरफ आप देखेंगे तो सामने जो है आम का बाग है। तो अभी जो है मैं आपको सबसे पहले जो है दिखाता हूँ यहाँ का खजूरों का बाग, और उसके बाद हम चलेंगे सिटी। वहाँ एक पुराना बाग है नाज बाग, जो मतलब कि उसमें झूले वगैरह नहीं है, वैसे घूमने के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, वो लोकेशन बहुत प्यारी है, और बाग जो अंदर से ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो गाइज़ ये अभी आप देख सकते हैं, ये देखें आम का बाग। तो अभी जो है मैं आम के बाग के अंदर आ गया हूँ, तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, अभी जो है बिल्कुल जो है अच्छी तरह पके नहीं हैं। ये आम का बाग है, और जो है आम तो काफ़ी लगे हुए हैं लेकिन अभी पके नहीं हैं। दिल भी कर रहा है खाने को लेकिन फ़ायदा नहीं है तोड़ने का। ये कौवा भी बैठा हुआ है आम के बाग में घूम रहा है, कोई पका हुआ आम देख रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा। अभी तो भाई टाइम ही नहीं है, टाइम से उड़ जा कहीं और जाके अपना चोगा वोगा देख, यहाँ पर नहीं मिलेगा आम, मुझे खुद को नहीं मिल रहा, तुझे कहाँ से मिलेगा। बस ये है भाई आम का बाग, आप देख लें किस तरह के आम आपको लग रहे हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दिल मेरा भी बहुत कर रहा है लेकिन चलो अभी जो है पका हुआ आम है नहीं, कर रहे तोड़ने का फ़ायदा नहीं है। तो गाइस जैसे कि आपने नाज बाग थोड़ा सा देखा होगा, मैंने आपको बाहर से दिखाया, वहाँ पे जो है बयान हो रहा था, आम को ही उनका बड़ा आया हुआ था, तो वहाँ से मैं अच्छी तरह जो शूट नहीं कर पाया वीडियो, तो वहाँ बंद था, फिर कभी जो है अंदर से दिखा देंगे। अंदर पे नहीं मैं गया, जहाँ पे मतलब कि थोड़ी लोकेशन और अच्छी थी, अंदर घुमाने की जगह थी, और जो है बहुत प्यारा सा अंदर बाग था, वहाँ नहीं जाने दिया, बंद था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ उनका कोई बड़ा इमाम आया हुआ था और बयान हो रहा था। तो आज मैंने आपको थोड़ा सिटी का भी व्यू दिखा दिया और गाँव का भी दिखा दिया। तो अभी जो है मेरे पेपर है ईद के बाद, ईद के शायद मैं दूसरे दिन जो चला जाऊँ वापसी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी भी शायद मंडे पे, नेक्स्ट मंडे पे खुल जाएगी। तो मेरे मिड टर्म पेपर है, दुआ करना यार पेपर भी अच्छे अच्छे हो जाएं, तो मिड टर्म पेपर है। तो आज के इस व्लॉग में बस आपको यही दिखाना था, थोड़ा यहाँ मैंने सोचा कि सिटी का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, और आपको जो है गाँव के बाग वाग भी दिखा दिए, उम्मीद है कि बाग भी आपको अच्छे लगे होंगे।
तो आम के बाग, खजूरों के बाग ये भी दिखा दिया और इसमें थोड़ा सिटी का भी व्यू आपको दिखा दिया। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मैं किस चीज़ पे व्लॉग लेके आऊँ। तो यहाँ पे कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पेपर फ़िलहाल चल रहे हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, सच पूछो तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो बस ये थोड़ा सा टाइम निकाल के व्लॉग बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जो है व्लॉग बनाऊँगा, अपनी तरफ से फुल कोशिश करता हूँ टाइम निकालने का। तो टाइम जैसे निकलता है तो फिर सोचता हूँ कि व्लॉग भी एक बना लूँ। तो मिलते हैं गाइज अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं जो बैरिया टाउन पे भी व्लॉग लेके आऊँगा, नवाबशाह बैरिया टाउन का भी आपको दिखाऊँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।